नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। अगर छोटी सी उम्र में ये सोच हो कि मुझे अपना जन्मदिन ऐसे लोगों के बीच जाकर मनाना है जिनका कोई नहीं है, तो सोचो उस बेटी का भविष्य कितना सार्थक होगा। जी हां, बात करें जयपुर में रहने वाली काव्या चौहान का, जिसे लोग प्यार से लाडो भी कहते हैं। काव्या चौहान ने आज अपना जन्मदिन अपना घर आश्रम बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट भवन बस्सी में बुजुर्गों के बीच जाकर मनाया। इस अवसर पर दो वार्डों में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को भोजन करवाया गया। काव्या ने अपने जन्मदिन का केक भी इसी आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बीच जाकर काटा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। काव्या ने उन सभी छोटे बच्चों से भी अपील की है कि सभी छोटे बच्चों को अपने जन्मदिन पर अनावश्यक खर्च नहीं करने चाहिए, ऐसे लोगों के बीच आकर जन्मदिन मनाने चाहिए ताकि उनको भी परिवार के जैसा लगे। इस अवसर पर काव्या के पिता जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बेटी ने मुझे बहुत पहले ही कह दिया था कि पापा इस बार मेरा जन्मदिन ऐसी जगह मनाना जहां सबको एक साथ खुशी मिले। बेटी की इच्छा पर हमने आज ये जन्मदिन का विशेष कार्यक्रम इन वृद्ध आत्माओं के बीच आकर मनाया है। जितेंद्र सिंह चौहान SMS अस्पताल जयपुर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। जो सेवा का भाव एक पिता का है, वही भाव बेटी का है। आश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने बेटी काव्या को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और बेटी काव्या ने सभी बुजुर्गों से ये वादा किया कि वो अपना अगला जन्मदिन भी यहीं आकर मनाएंगी। इस अवसर पर समाजसेवी रमेश जांगीड़ और उनका परिवार भी उपस्थित रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे आसानी से। देखते रहिए दिव्यांग जगत। नमस्कार।